आपको शुरुआत में ही गाड़ियों का भंडार नज़र आ जाएगा इस मेंशन के अंदर। यहाँ पर जो है लेजेंडरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो हो गया, और हमारे पास अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है गाइस। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग दोबारा से नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है माइकल के लिए, क्योंकि ये जो बंदा है फ्रैंकलिन, ये उसको देने वाला है एक बहुत बड़ा गिफ्ट। और तुम लोग तुमने देख के पता कर ही लिया होगा कि क्या देने वाला है। तो आज हम लोगों ने उस अमीरजादे को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले, जो कि अभी आजकल बड़ा ही गरीब हुआ हुआ है। तुम लोग देख रहे हो उसके हालात कैसे हुए हैं, ना घर है ना बार है, मतलब घर बार नहीं है, और कोई मतलब घर वाले छोड़ के चले गए उसको। और क्या हुआ भाई यार, देखो आज मेरे पास ये दो गाड़ियाँ भी हैं, फिर भी मैं उससे काफ़ी ज़्यादा अमीर हूँ। और मैंने सोच रहा था कि यार ये इसी कलर में ये बहुत प्यारी लगती है, ये जो हमारी ये वाली सियान है, ठीक है। और इस वाली गाड़ी को मैंने कलर चेंज करवा दिया था कि उसको पता ना चले, किसी को कोई कंप्लेन ना कर दे इसका मैंने, क्योंकि तुम लोगों ने बोला था ब्लैक कर लो, लेकिन इसमें ब्लैक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वाइट कलर कर दिया है। तो आज हम लोग सबसे पहले तो मैं उसको माइकल को कॉल कर देता हूँ कि वो आज हम लोग मतलब मैं उसको लेने आ रहा हूँ, और उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो अब मैं सिर्फ उसको कॉल करूँगा, फिर उससे हम लोग पूछेंगे कि भाई क्या सीन है। तो अभी बस ये है कि कॉल उठा ले बस, यार वो काफ़ी बिजी रहता है बंदा। Hey, Mike, it's me. What's going on? Wanna hang out or something? Sure. Cool, I'll come pick you up. मान गया। चलो भाई, माइकल तो मान गया है, तो हम लोग चलते हैं उसके पास। ठीक हो गया, तो अभी मैं ज़रा मार्क लगा लेता हूँ, तो हम लोग ज़रा चलते हैं उसके पास। ज़रा पास ही खड़ा हुआ है, तो इतना हम लोगों को बात करने की कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यार हम लोग उसके घर पर पहुंच गए हैं। hey man, what's up? इस गाड़ी के अंदर भी भूख लगा हुआ नाइट्रो। hey, निबी, हाउ आर यू? तेरे बाहर निकलना, बात तो कर मेरे से। कैसा है यार, तेरे हालात बहुत बुरे हुए हैं। so तो यार मैं माइकल को अपने साथ लेकर आ गया हूँ। तो अब हम लोग इसको पहले अपने मतलब कहीं पर ऐसी जगह पे लेकर जाएंगे, और फिर मैंने इसको वो गिफ्ट देना है जो ये डिज़र्व करता है, क्योंकि बड़ी मेहनत करता है यार। इसके घर वाले इसको ज़रा सा भी लिफ्ट नहीं कराते, ये बहुत बहुत मेहनत करता है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। ओ भाई, पंगा नहीं लेना। बेवकूफ़ के बच्चे, तेरी वजह से मेरे पीछे भी लग जाएगी। मैं वेस्ट पहन के आया हूँ, शुक्र है। बहरहाल यार, इसको हम लोग इसका घर देते हैं, ठीक है। मैंने स्पॉइलर दे दिया है इसका, हम लोगों ने घर लिया है इसके लिए, बहुत ही महंगा घर है यार वो, ठीक है। तो मैंने एक माफिया के साथ एक डील की थी, और उसके बदले में उन्होंने मुझे एक यार तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे बोलने दो। तो मैंने इसको बोला कि भाई मुझे उसके बदले में ना मुझे एक मेंशन चाहिए बहुत ही प्यारा सा। तो वो उन लोगों ने मुझे मेंशन दे दिया है, ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो मेंशन मैं इसको दे दूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी है यार घर, बहुत प्यारा घर है इसका, बहुत पुराना हो गया मेंशन यार। तो मैंने सोचा कि यार इसको वो मेंशन दूंगा मैं। तो यार वो जगह पर तो आ गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखना है कि वो किस तरीके का मेंशन है, क्योंकि मैं भी पूरी तरीके से उसमें गया नहीं हूँ। तो ये है वो, अभी बाहर गार्ड्स भी खड़े हुए हैं, कुछ बोलेंगे तो नहीं ना। हाँ नहीं रही है। तो गाइस, एंट्री के साथ ही ये हम गाड़ी यहाँ पर ज़रा पार्क वार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पार्क कर दूँ। तो आपको शुरुआत में ही गाड़ियों का भंडार नज़र आ जाएगा इस मेंशन के अंदर। माइकल देख ले बेटा, तेरे लिए लेकर आया हूँ मैं ये पूरा घर तेरा है। तो यहाँ पर जो है लेजेंडरी गाड़ियाँ बोल रहा हूँ। वो आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो ये देखो ये सारी बहुत ही महंगी गाड़ियाँ हैं। सबसे महंगी ये है जिसके ऊपर डिंकी लिखा हुआ, डिंका। तो यहाँ पर आप देख लो,
तो वो लेमोजिन है, इसको हमने पेंट शेंट करा के यहाँ खड़ा करा दिया था ताकि किसी को शक ना हो। और ये मस्टैंग की सारी नस्लें यहाँ खड़ी हुई हैं, पुरानी से नई से लेकर। और वो वहाँ पर जो खड़ी हुई है ना, ये गाड़ी बड़ी प्यारी गाड़ी है यार, लग्जरी गाड़ी है। और ये बंदा मेरे ये एक ये गाड़ी है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रिपेयर कर रहा है। ये साइकिल भी खड़ी हुई है, और ये बड़ी प्यारी मस्टैंग है ब्लैक कलर की बिल्कुल। और यहाँ पर ये पुरानी वाली मस्टैंग है, मस्टैंग ही बोल सकते हो। और ये यहाँ पर है 4x4 की जीप, ठीक हो गया। और हमारे पास आगे चल के ये एक हेलीकॉप्टर आ जाता है, ठीक है, जो जिसको हम मक्खी हेलीकॉप्टर बोलते हैं, ठीक हो गया। कहाँ गया माइकल वाज अबंडेंट, ओए ये इसको क्या हो गया, हाय हाय। जिसके लिए हम लेकर आए थे वो ही हॉस्पिटल पहुंच गया। चलो मैं अब ये तुम लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने तो ये माइकल के लिए ले लिया है, माइकल अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये सारा हमारा क्या नाम है उसका, ये छोटा सा पूल है इसके अंदर, ये पता नहीं क्यों रख दिया इन्होंने, इतना छोटा है ये। ये बारबेक्यू का प्लान है यहाँ पर सारा, ये देखो ये बंदा ये तो मनमानस है। अच्छा जी, माइकल का मैसेज भी आ गया है, वो पता नहीं हॉस्पिटल में पहुंच गया। तो ये यहाँ पर एक सीन बनाया हुआ है, और ये यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, बंदियाँ नहा रही हैं, ठीक है। और वो वहाँ पर शराब शुरू का सीन है, यहाँ पर मैंने बोला था जूस वूस रखना, ठीक हो गया। तो और यहाँ पर ये तुम लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर पार्टी शार्टी भी हो रही है भाई, पार्टी शार्टी भी चल रही है यहाँ पर। तो ये देखो ज़रा, बड़ी बेहतरीन यहाँ पर पार्टी शार्टी चल रही है, लेकिन कोई गाना नहीं चल रहा, फिर भी मजदूर में ये लोग गाना नाच गाना कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है यहाँ पर, एक बहुत ही ओपी सा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। गायें भी खड़ी करी हुई है। और जो सबसे मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या है, हमारे पास अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है गाइस, अपना प्राइवेट एयरपोर्ट। सबसे पहले हमारे पास ये एक हाइड्रा आ जाता है, ये सब चलते हैं। तुम लोगों को लग रहा होगा ये कोई नहीं चलता, इसके अंदर सब में बैठता है, मैं तुम्हें बैठ के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो सब में बैठेगा, सब चलता है इसके अंदर, ठीक हो गया। और हमारे पास अपना प्राइवेट एयरपोर्ट है गाइस, अपना प्राइवेट एयरपोर्ट। तो ये देखो, ये मैं अभी उड़ा नहीं रहा क्योंकि मैंने तुम्हें आगे भी दिखाना है, ठीक है। तो ये देख लो ज़रा, ये हमारे पास अपना प्राइवेट जेट आ गया यहाँ पर, ये एक और जेट है, ये हमारे पास एक हेलीकॉप्टर आ गया बड़ा ही खूबसूरत सा, ठीक है। और ये भी एक हमारे पास इन्होंने एक हमारे लिए रखा हुआ है, इसको हाइड्रा ही बोलते हैं। तो गाइस कुल मिला के बात ये है कि ये करोड़ों का मेंशन है, और वो सामने प्रेसिडेंट हाउस भी है। बड़ी खबरें आ रही है प्रेसिडेंट हाउस से भाई के वहाँ पर कुछ होने वाला है, तो वो भी ज़रूर हम भी शामिल होंगे उसके अंदर। और ये छोटा सा एक जेट हमारे लिए रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पर। तो यार बहुत ही ओपी किस्म का इन्होंने सेटअप रखा हुआ है, और ये अंदर भी एक और इन्होंने, ये देखो सेटअप देखो, पुराने ज़माने की ये गाड़ी भी रखी हुई है, और वो भी एक वो गाड़ी है सामने। तो सीन देख लो यार, सीन बहुत ही ओपी है, ठीक है। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी इसलिए रखी हुई है, अपना ही फायर ब्रिगेड रख लिया है, क्योंकि यार इतनी बड़ी जगह कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हम लोगों ने सीन ये करना है, एक छोटी सी रॉबरी मारेंगे आज की वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार अब काफ़ी टाइम हो गया ना, अब मैं सोच रहा हूँ इनमें से कौन सी मैं गाड़ी लेके जाऊँ अपनी, मैं ये कौन सी लेके जाए यार, ये गाड़ी अच्छी लग रही है, ये लेके चलते हैं। एक छोटी रॉबरी मारनी है हम लोगों ने, तो मैं ज़रा ना निशान लगा लूँ कि हम लोग कहाँ पर वो रॉबरी मारें। तो यार मैंने निशान लगा लिया, और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर, ठीक हो गया। अब मैंने ये अकेला ही काम करना है, क्योंकि माइकल हॉस्पिटल में है, और ये पैसे भी मैं जो मेरे को मिलेंगे अगर मैं कामयाब रहा उसके लिए, तो ये पैसे भी मैं माइकल को दे दूंगा, क्योंकि यार बहुत बुरे हालात चल रहे हैं उसके। बुरे हालात मेरे हो जाएंगे अगर इस गाड़ी को कुछ हो गया तो। अभी हम लोगों ने टायर एक वहाँ पर चलना है, ठीक है। मैं अब तुम लोग मेरी बातें नहीं सुनो, तुम लोग गाना सुनो और ड्राइविंग एंजॉय करो।
गाड़ी पार्क कर देता हूँ। तो अब हम लोगों ने प्रेस ही टू बिगिन द रॉबरी। चलो यार, रॉबरी शुरू हो चुकी है, अब हम लोग अंदर से अपनी गन निकाल लेते हैं। सही है, पैसा भर चुका है बैग हमारे पास और अब हम लोगों ने सीधा निकलना है यहाँ से। पुलिस पीछे लग चुकी है हमारे और अब मैंने इसको यहाँ से, अब हमें पुलिस पीछे लगी गई है तो इसको मार के निकलना पड़ेगा। चलो, तो मार दिया हम लोगों ने कि अब हम लोगों को यहाँ से भागना है। निकलो 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 निकल 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 जल्दी निकल जल्दी निकल। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। मुझे कहीं पर ऐसी जगह छुपना पड़ेगा जहाँ पर ये मुझे देख ना पाए। ये रोड पे तो मेरे को आराम से देख लेंगे ये लोग। ना यहाँ छुप जाता हूँ। सर गई, हाय हाय हाय, क्या बात है। तो ये हमारे पास 1,24,09,500 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। और अब मैं ये घर पे मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, अपने घर पे मार्क लगा देता हूँ। ये गाड़ी एक माइकल की हम अपने घर ले जाते हैं, ठीक है। चुके हम लोग और सीन कुछ ऐसा है कि ये गाड़ी मैं कैसे खड़ा करूंगा अंदर, तो मुझे ये थोड़ी सी आड़ी करके खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि माफिया वाले अभी भी मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मैं इसको मतलब गैराज बना लूं अपना। तो इसको मुझे आड़ा टेढ़ा करके ही अंदर ही खड़ा करना पड़ेगा। आज मैं गैराज तो बनवा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में गैराज मिल जाएगा। तो अब ये सीन है कि भाई मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर तो हम लोगों ने माइकल को उसका घर दे दिया है, क्योंकि वो काफ़ी खुश हो गया होगा, हॉस्पिटल में बैठा है अभी तो काफ़ी खुश हो गया होगा। तो मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँ। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और 2,500 सब्सक्राइबर पूरे करा दो फटाफट से यार। इतना क्यों लेट कर रहे हो यार, क्यों लेट कर रहे हो इतना भाई को। तो बस यार, इतनी तुम लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द भाई को सपोर्ट करो यार, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोगों के लिए, तुम्हें पता नहीं इसमें कितनी मेहनत लगती है यार। तो बस यार, आज के लिए इतना था। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना है, मतलब करना है तो कर देना, ठीक है। कमेंट करके लाजमी बताना कि कैसी लगी है, ताकि अगर कोई गलती है तो मुझे नीचे बताओ, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।